हार्दिक अभिनंदन भाभी के ब्लॉग में। हाँ निचल निचल अमूल टूटू लंबर मेरा अंडा पंडित जी की मर्जी रोड़ी। तो जोत प्रणाम पहला नमस्कार और राम राम। कैसे हैं आप सब? आज पूरा दिन सारा पूरे घर का और डेयरी का कारोबार किसने संभाला? मैंने संभाला। तो अब नीचे से आवाज आ गई है, सुबह से दूध बट गया, बाहर के जो होम डिलीवरी होता वो सब कुछ भी हो गया, क्योंकि दानी गए हैं कोनार का मैच है ग्वाला पर, तो वो सुबह ही लेके चले गए थे। तो सारा देखभाल किसने करना था? मैंने करना था। सासू माँ का नाश्ता खाना सब कुछ टाइम पे हो गया। एक भीमताल से कोई काउडंग यानी कि खाद लेने भी आए थे, अचानक ही आ गए, तो वो भी एक गाड़ी खाद लेकर के गए, वो सारा किया। और उससे जो धनराशि प्राप्त हुई वो मैंने माता जी को दे दिया। माता जी कल कौतिक जाएंगे, आज जाना था लेकिन आज मौसम का हाल बहुत बेहाल है, तो अब मैं चलती हूँ। शाम के बज चुके हैं कुछ 4:15 और शाम का डेयरी का कार्यक्रम अभी देखना है कि क्या करना है क्या नहीं। तो माता जी ने ऐनक लगा रखा है, ये क्या हो गया? दो दिखाई दे रहे हैं या 4? खाली जगह धुआं लगता है, लगा रखी है धुआं, मतलब आप ना। अच्छा, ये माता जी ने चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि धुआं लगता है तो आंखों में जाएगा। और माता जी के साथ में बैठे हैं माता जी की दगड़वा, ये आंटी जी है, आंटी जी को है प्रणाम मेरी तरफ से। हाँ हुकुम। तब आग जला रखी है ना। हाँ हाँ धुआं जाता है ना आग में। होय होय होय, बताओ क्या करना है? चश्मा लगाना है, आग नहीं देख रही हूँ। चश्मा लगा के आग नहीं देख रहे हो ना? दुनिया चश्मा लगा के आग देती है, यह बूढ़ी का उल्टे से खोपड़ी। देखो ना हाँ, देखो चश्मा निकाल दिया तो मैं आग देखती हूँ, अखबार भी पढ़ती हूँ। अच्छा, पता नहीं कैसे डॉक्टर है ऐसा चश्मा बना दिया, चश्मा लगाया तो आंख ही नहीं देखती हूँ। कोई बात नहीं, फिर अब मेरे को दोष है कि डॉक्टर को दोष है? ये दोष किसका? ये तो पंडित ही बताएगा जन्म पत्री देख करके आपका कि ये दोष है किसका। आंख भी खुचोड़ दी है उसने, ये बोल रही है आंखों में जाली लगी है, आंखों में जाली लगी है। आंखों का जाली का मतलब होता है मोतियाबिंद। आंख भी खुचोड़ दिया आपका दोनों, मोतियाबिंद निकाल के फिर बोलते है ना ये लोग गए ना, परमा गया, ये पर भगवान सिंह गया, कौन गए जाली निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं पता नहीं जाली को। मम्मी आपको नहीं पता, जाली को जो बोलते हैं ना उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है? और आपकी दोनों आंखों का मोतियाबिंद निकाला जा चुका है। तो इनार लगे बड़का लगे, इनार लगे बड़का ने आप तुम इनार लगे बड़का लगा पर मोतियाबिंद निकाल लिया, वो ज्वाल निकाल लिया। हाँ, तुम्हारे आंख में बरकटा नहीं लगाया? अरे कल कौथी, आज देख रहे हो मौसम कितना बेश्रम है, आज का मौसम इतना ठंड है। आज हुआ मौसम थोड़ी बोल रहे, कब से ले कल चल गए भोली 11 बजे तैयार रहे, ऐसे मौसम में कर ले तो फिर तुमको कौतिक भी देखना है और मौसम को भी वो करना है, गलत साबित करना है। पहले मौसम को देखना है, पहले अपने आत्मा को देखना है। हाँ। फिर मौसम को देखना है। हाँ। चाय बनाओ, फिर कौतिक को देखना है। कल चलेंगे कौतिक, चाय बनाओ कि नहीं बनाओ? चाह पीने जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चाह पीने जैसा लग रहा है। लग रहे तो बनाओ। मैं आंटी काले पानी अदरक वाला? अरे आंटी लाऊंगी, कैसे बात कर रही आंटी? मैं लाऊंगी बुढ़िया के लिए, लाऊंगी चाय पानी और आंटी के लिए लाऊंगी अदरक का पानी, ठीक है? तो ये देखिए शाम की ये घास कट चुकी है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, हालांकि ये मशीन से कटता है। और ये इनका खान पान वन वन चल रहा है, और यहाँ पे ये भूसा भीगा हुआ है। भूसा को हम हमेशा भिगा करके देते हैं, ये हमारा सीक्रेट है। एक्चुअली भूसा क्या होता है, इसमें डस्ट वगैरह भी होता है, तो हम इसको एक बार बड़े से टब में भिगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये पानी इसका निथर जाते हैं उसके बाद करते हैं। और चारा बनाया जाता है इसमें, ठीक छो? और ये सब अभी मुश्तैद हो चुके हैं क्योंकि इनको पता है शाम हो गई है, इनका चारा बन रहा है, इनको खाना मिल रहा है, तो ये इसलिए खड़े हुए हैं, ठीक है? तो अब शाम का वक्त हो गया, शाम का शेड्यूल जो है इनका रूटीन वो मतलब
लगना स्टार्ट हो गया अभी इन लोगों। हाँ बाबू अभी इनको चारा मिलेगा। और नहीं गंदी बात, गंदी बात, नो 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 बेबी नो 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 बोला ना, आपको सुनाई नहीं देता। तो अब उसके बाद चारा लग जाएगा, फिर लगेगा दूध। प्रेम देख लेना कहीं लाइट ना जाए। आ रहा है, आ रहा है, चिल्लाना नहीं है, आ रहा है, चिल्लाना नहीं है, उस तरफ मुंह करके चिल्ला रहे, कोई सुनेगा? चारा इधर से ही आएगा, ठीक है? हूँ, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? चलो बाय। लिखते लिखते अंगूल टूटी लंबर, कितने लड़कों से बोल दिया। हाँ लिखते लिखते अंगूल टूटी लंबर, मेरा अंडा पंडित जी की मत बिगड़ी, हाथों लगे नंजन दुरान ने। नंजना धाम को मन एक सवाल मैं कहती हूँ आपको, अम्मा हमको नहीं आता क्या हुआ ये? क्या हुआ? तो हो गया अब, हो गया वो नीचे बोल रहा है, वहां भी गया ये जो पता नहीं भूल गई मैं क्या बोल रहा था। फिर से बोलो ये वाला। और लिखते लिखते ना बच्चों का आफत आती है, लिखते लिखते आखिरी वो फील हो जाते हैं, फील हो गए जब तब बोलते हैं मास्टर को साले का तो दिमाग खराब हुआ तो हमको मारता है। तो आज माता जी ने पूरा टाइम यहीं बैठे रहे है ना मम्मी? आज आप पूरा दिन यहीं पे हो? दिन भर आग जलाई, लकड़ी लाई, कहाँ कहाँ से। अच्छा वो जंगल नहीं गए? यहाँ जंगल ही तो है, कोई बात नहीं मम्मी, तू बच्चे बची रहनी चाहिए, ठीक है? चलो हाँ बताओ कहाँ से लाए? अच्छा और यहाँ कहाँ मिल जाएगा? अच्छा तो मेरा दूध बांटना का कार्यक्रम भी चल रहा है और मैं बैठी हूँ सीढ़ी में अपनी। तो हमारे घर और आंगन की रौनक तो हमारी सासू माँ है, जिनसे हमारे घर में चार चांद लग जाते हैं, और बड़े बूढ़े का होना उनकी लाठी ही काफी होती है। यह है अम्मा की चौपाल, और अम्मा ने चश्मा जो लगाया उसका सीक्रेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ए रेनू इधर ना, दो चौपाई बता के जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, और ये है देवभूमि के स्वर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भाभी के ब्लॉग में, और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस दो लाइनें सुना दो फिर। क्या सुनाओ? ओय जा उतरणी को तिक लगी रो, उतरणी को तिक लगी रो, सरयू का बगड़ में, सरयू का बगड़ में, मिले आए मेरे ओनो बागनाथ मंदिर में, जोनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। धन्यवाद। तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा है दूध का बांटना भी, हाँ, और ये चल रही हमारी थोड़ी सी मस्ती। मैं का गुरु ओ, गु, आपका क्या शुभ नाम बोला? आपका नाम क्या है? नहीं 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 गुरु क्या है आपका सरनेम क्या है? गुरु मम्मी अब चश्मा हटा दो, चमक रही आंखें हटा दो। दीवानी रोड़ा नाल जे भाई अटर डाले मैं राम बोदर, ओ गान पारे के बीज ना जोड़ी अटण का दे नेर बोदर। बहुत बढ़िया काम रामा, बहुत अच्छा आपका अम्मा के ब्लॉग बना रहे हैं। नहीं अम्मा बहुत अच्छी मेरा बॉर्डर।
दीवानी लौंडा नौला सिपाही चनखा म्यारा होटल दीवानी लौंडा नौला सिपाही मेरे दूध आ गया आपने।